मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। कैसे हैं आप दोस्तों? आज का टॉपिक हमने चुना है अनकॉन्शियसनेस, बेहोश पेशेंट, कोलैप्स्ड पेशेंट। आपके सामने कोई आपका अपना या कोई पराया बेहोश हो गया, गिर गया और उठ नहीं रहा, आप उठा रहे हो फिर भी नहीं उठ रहा है, आप बुला रहे हो फिर भी नहीं उठ रहा। ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, क्या कारण हो सकते हैं, कैसे डायग्नोस करें अनकॉन्शियस पेशेंट को, ये बात हम करेंगे। और थोड़ी बहुत बात बीच में आप ध्यान रखिए, इमरजेंसी में हूँ। अभी एक पेशेंट अनकॉन्शियस आया था, उसको वेंटिलेटर पे लेके अंदर शिफ्ट किया है, और सीरियस पेशेंट्स में कभी भी कॉल आ सकता है। सो ये अकस्मात कभी भी हमारी इमरजेंसी बन, ये बंद हो सकती है। फिर अनकॉन्शियस पेशेंट्स और नींद में सोए हुए पेशेंट में फ़र्क होता है। कई लोग होते हैं नींद में उनको जगाओ तो वो जागते नहीं, लेकिन अनकॉन्शियस का मतलब होता है जब पर्सन को कितने भी भुला लिया जाए, कितना भी हिला लिया जाए, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ना ही पेनफुल स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ना ही आवाज़ से, ना ही किसी चीज़ से। तो अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ऐसी मेडिकल टर्म इसको बोलते हैं, वो आप मान के चलिए अनकॉन्शियस या कोमाटोस पेशेंट होता है। कोमा यही चीज़ होती है, अगर लंबे समय तक ये बेहोश रहे तो उसे कोमा में जाना बोलते हैं, कोमा, कोमा जो सुना होगा आपने तो। लेकिन कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस पेशेंट वैसे भी हो सकता है। होल्ड ऑन, हेलो, हाँ डालो ना, अरे ऊपर से उनको बुला लो, डलवाओ इनको, जरूरत पड़ेगी। डाल दे, ठीक है। सो एक अनकॉन्शियस पेशेंट और टेम्पररी अनकॉन्शियस अलग होता है। टेम्पररी अनकॉन्शियस मतलब, और ऑल्टर्ड सेंसोरियम अलग चीज़ है। ऑल्टर्ड सेंसोरियम मतलब बौखलापन, हाँ को होश में आया है लेकिन पता नहीं क्या हुआ। एक ऑल्टर्ड सेंसोरियम में अगर पर्सन है जो बौखला गया है, आपको जो जो आप पूछ रहे हो उसका जवाब दे रहा है लेकिन सही जवाब नहीं, गलत जवाब दे रहा है, या टंग लड़खड़ा रही है, या उसको समझ नहीं आ रहा वो कहाँ है, ऐसी चीज़ें दिमाग में स्ट्रोक होने से, दारू के नशे में होने से, कई और कारणों से हो सकती है, दवा के या लिवर के साइड इफ़ेक्ट से, हेपेटिक एन्सेफलोपैथी में होने से हो सकती है। लेकिन अनकॉन्शियस बेहोशी जो सडन चेंज होता है, सडन चेंज मतलब अनकॉन्शियस का मतलब, अगर आपका पेशेंट एकदम ठीक था और ठीक होते होते एकदम से बेहोश हो गया, तो वो चीज़ डेंजरस होती है, राइट। उस केस में कई कारण होते हैं, लिटरली हर मेजर बीमारी, हर मेजर बीमारी या मेजर चोट लगने से पेशेंट बेहोश हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये मतलब, मान लीजिए किसी दवा के ओवरडोज से भी हो सकता है, ड्रग एब्यूज से भी हो सकता है, मान लीजिए किसी अल्कोहल, बहुत ज़्यादा दारू या गलत दारू पी लेने से भी हो सकता है, चोकिंग से हो सकता है, कोई खाने पीने की चीज़ सांस की नली में चले गई। मान लो आप कोई उल्टा सीधा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आपने कोई YouTube का चैलेंज ले लिया, और वो YouTube चैलेंज लेते हुए अपने सामान मुंह में इतने सारे फूको रख के बोलने की कोशिश की और एक ठक से अंदर चला गया, आपका चोकिंग होगा, बेहोश हो सकते हो, आपका गैग रिफ्लेक्स होगा, बेहोश हो सकते हो, आपका वेसोवेगल अटैक, वेसोवेगल मतलब एक नस होती है, जो नर्व होती है जो स्टिमुलेट हो सकती है कई बार बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने से, नाक और मुंह बंद कर लेने से, या फिर सांस रोक लेने से, या बहुत ज़्यादा ताकत लगाने से लैट्रिन में, या फिर डंबल उठाते हुए या वेट उठाते हुए। वेसोवेगल सिंकोप होता है, कफ सिंकोप होता है, मिक्चुरेटिंग सिंकोप, सिंकोप मतलब चक्कर आना। सो ये सब क्या, वो क्यों होता है, वेसोवेगल होता है। सो इन सब चीज़ों की वजह से इंट्राथोरेसिक चेस्ट के अंदर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि नस दब जाती है, और हार्ट को जाने वाला स्टिमुलेशन, एक सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए हार्ट रुक जाता है तो ब्लड प्रेशर जीरो हो जाता है। तो जीरो ब्लड प्रेशर के चक्कर आ जाता है, फिर जब आप चक्कर लेके रिलैक्स हो जाते हो, अपने आप वापस धीरे धीरे शुरू हो जाता है। सो टेम्पररी अनकॉन्शियसनेस ऐसे वजह से होता है। टेम्पररी अनकॉन्शियसनेस और भी कारण हो सकते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन, जी हाँ, सिवियर डिहाइड्रेशन हो तो वो टेम्पररी बेहोश इंसान डिहाइड्रेशन से हो सकता है। बेहोश टेम्पररी इंसान लो ब्लड शुगर से हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर से हो सकता है, है ना, इन सब चीज़ों से टेम्पररी इंसान बेहोश हो सकता है। और किसी भी मेजर इलनेस, बीमारी से भी ये चीज़ हो सकती है। बहुत लंबी, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने भर से आप बेहोश हो सकते हो। अगर आप बहुत, आपने देखा होगा कई लोग जो बहुत किसी कोई ट्रॉमा में होते हैं, कोई सदमा लगता है और बहुत लंबी लंबी सांस लेते लेते एकदम बेहोश हो जाता है, पिक्चरों में देखा होगा, वो भी इसी वजह से हाइपर वेंटिलेट करने से भी ऐसा होता है।
कई लोग जो ऐसे टेम्पररी अनकॉन्शियस होने के बाद होश में आते हैं उनको एमनीजिया होता है, उनको याद नहीं रहता क्या हुआ था, या कन्फ्यूजन रहता है, या उठने के बाद भी ड्राउजीनेस या सरदर्द हो सकता है, या फिर कई बार धड़कन कम ज़्यादा हो सकती है, कई बार हार्ट की बीमारी में अनकॉन्शियसनेस हो सकती है पाल्पिटेशंस के, मतलब धड़कन इरेगुलर होने से। अगर धड़कन बहुत ही कम हो गई, 20-30 हो गई, तो हार्ट तो बीपी कम हो जाएगा, तब आप अनकॉन्शियस हो सकते हो। धड़कन बहुत तेज़ हो गई, 150, 180, 200, 250, इतनी तेज़ भी धड़कन जाती है, तब इतना तेज़ हार्ट धड़क रहा है कि वो भरेगा ही नहीं, तो पंप क्या करेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर लो होके गिर के आपको चक्कर आता, बेहोश हो सकते हो। ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट, अगर तो कोई चोकिंग वाला है, चोकिंग वाला पेशेंट है, वो अनकॉन्शियस हुआ फिर उठ भी गया, फिर उसके बाद वो बोल नहीं पा रहा है, अगर वो बोल नहीं पा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो वो चोक हो रहा है वहाँ पर, या दिक्कत उस तरह की हो रही है, या कोई एलर्जिक रिएक्शन से भी कई बार गले की नसें सूजने लग जाती हैं, सूजन होने लगती है, चोकिंग होती है, राइट, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन उससे भी होता है। सो ऐसे में हम देखते हैं पेशेंट को, क्या पेशेंट के मुंह से कोई स्मेल आ रही है, तो उससे होगा, पॉइजनिंग हो सकता है, जी हाँ, किसी किसी प्रकार की पॉइजनिंग से भी आप बेहोश हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं पेशेंट को कोई ट्रॉमा तो नहीं है, अगर चोट लगी है, सर में चोट, इधर चोट, उधर चोट, तो चोट लगने से भी बेहोशी हो सकती है, दिमाग में खून बह सकता है, उस केस में फिर सीटी स्कैन ज़रूरी है अर्जेंट, कि दिमाग में अगर ब्लीडिंग हुई है तो वो कारण है आपके इसका। ईसीजी की जाती है कि हार्ट की रिदम प्रॉब्लम तो नहीं है, रिदम प्रॉब्लम है तो वो उसका कारण होगा। ईसीजी के अलावा इकोकार्डियोग्राफी, हार्ट की पंपिंग प्रॉब्लम बहुत कम है तो वो एक कारण हो सकता है, हार्ट फेल होना, वीटी वीएफ होना, हार्ट की रिदम में प्रॉब्लम आना, राइट। लेकिन अगर ऐसे भी, इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं, राइट, शॉक लगना, इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से एकदम से पेशेंट बेहोश हो सकता है, राइट। फिर बात आती है कि अगर कोई फर्स्ट एड क्या करें, आप कैसे बचाएं पेशेंट को, अगर हॉस्पिटल में तो ये सब हम करेंगे, आप क्या करोगे, राइट। आपके केस में आपको कुछ चीज़ें नहीं करनी है, कतई भी नहीं करना है। नंबर एक, आप बेहोश पेशेंट को पानी या खाना नहीं पिलाएंगे, वो पानी या खाना उनकी सांस की नली में जा सकता है, वो अच्छे खासे ठीक होने के बावजूद टेम्पररी बेहोश हुए हो और आपने सांस की नली में पानी डाल दिया, निमोनिया हो गया और ज़्यादा चोक हो गए तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो भैया बेहोश पेशेंट को पानी या खाना नहीं देना, बेहोश पेशेंट को अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाना, पाप है वो, ठीक है, सॉरी, अकेले छोड़ के कभी नहीं जाना। और थर्ड चीज़, बेहोश पेशेंट के सर के नीचे तकिया नहीं रखना, तकिया नहीं रखना सर के नीचे, ठीक है, तकिया नहीं रखना है, बेहोश पेशेंट को वैसे ही रहने देना, तो वो टंग गिर जाती है पीछे, सो टंग रैदर इसको ऊपर करना चाहिए होता है बेहोश पेशेंट हो, तो चिन अप, तकिया नहीं रखना, चिन अप, वो ज़रूरी है, ठीक है। और बेहोश पेशेंट को के मुंह पे पानी नहीं मारना है, एक होता है हम थोड़े से छींटे मारते हैं, लोग कोई पानी की बोतल डाल देता है, वो नाक में जा सकता है, वो नाक के थ्रू सांस की नली में जा सकता है, तो बेहोश पेशेंट के मुंह पे पानी छिड़कना, या अगर वो उठा है तो उठ जाएगा, वैसे ही उठ जाएगा, राइट, या उनके मुंह पे थप्पड़ मारना, वो गलत है। आपको पेनफुल स्टिमुलस देना है तो आप पेनफुल स्टिमुलस दे सकते हो, चींटी काट सकते हो, आप उनके यहाँ पे दबा सकते हो, यहाँ दबाने से भी पेन होता है, ठीक है, यहाँ दबाने से पेन होता है, इसलिए डॉक्टर्स लोग, काफ़ी लोग यहाँ दबाते हैं, ठीक है। कई पेशेंट नाटक करके भी आते हैं यहाँ, हिस्टेरिकल पेशेंट्स भी होते हैं, घर में झगड़ा हो गया, फीमेल बेहोश आ जाती है एकदम, मतलब बेहोश हूँ, मेरे दिन उठा नहीं जा रहा, फिर वो सब कुछ ठीक होता है, धड़कन ठीक, ये भी ठीक, वो भी ठीक, सब कुछ ठीक, बस बेहोश है, फिर वो उनका देखना, वो हिस्टेरिकल होते हैं, हिस्टेरिकल का मतलब है कि नाटक कर रहे हैं, सो वो भी देखना होता है कि नाटक कौन कर रहा है और कौन सच है, कौन क्या है, ABC देखना होता है, एयरवे काम कर रही है नहीं कर रही है, सांस में कोई ऑक्सीजन जा रहा है कि नहीं जा रहा है खून में, ब्रीदिंग काम कर रही है, सांस ले रही है कि नहीं ले रही है, नहीं तो फिर ब्रीदिंग अम्बू बैग लेके CPR शुरू करना पड़ेगा, पल्स है कि नहीं है, सर्कुलेशन है कि नहीं, अगर पल्स नहीं है, अगर ब्रीदिंग नहीं है, सांस नहीं ले रही, खत्म बात, कुछ नहीं सोचना, CPR शुरू करो, हार्ट जिंदा है, मैंने ये नहीं सोचना पड़ता, पहले CPR शुरू करो, ठीक है, फिर वो चेक करते हैं कि बाद में CPR करते हुए कि आई कि नहीं आई, वो आई कि नहीं आई, वो बेसिक टेक्निक, CPR मतलब छाती में चेस्ट कंप्रेशन शुरू करना पड़ता है, राइट। और एक जन तुरंत इमरजेंसी कॉल करेगा, अगर आपको पल्स नहीं मिल रही है, पल्स लेना आता नहीं है, तो मेरा वीडियो देख लेना, हाउ टू चेक योर पल्स, नाड़ी वाला वीडियो है, और ब्रीदिंग तो देख ही सकते हो, सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, यहाँ हाथ रख के या ऐसे ऐसे सांस हिलती है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, और एयरवे में पता चलेगा कि ब्रीदिंग आराम से अटक रहा है, मतलब सिंपल है, एयरवे में कुछ अटक रहा है, ठीक है, ऐसे। उसके अलावा आपको क्या करना है, अगर पेशेंट को चोट लगी है, अगर वो ऊपर से गिरा है, छत से गिरा है, कहीं से गिरा है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसकी स्पाइन,
उसकी स्पाइन और उसका सर, अगर आप उसको हॉस्पिटल लाने के चक्कर में अगर उसकी स्पाइन टूटी है और वो टूटी स्पाइन को आपने ऐसे ऐसे हिला दिया तो अंदर स्पाइन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड चकनाचूर हो जाएगी और फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर कोई ऊपर से गिरा है, चोट लगी है, तब बेहोश हुआ है, तो उसकी स्पाइन को स्टेबलाइज़ करना, उसको स्टेबलाइज़ करना ज़रूरी है। इसलिए पैरामेडिक्स होते हैं बाहर के देश में, इंडिया में भी होते हैं, तो वो करना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर कोई पेशेंट बेहोश है तो उसको वार्म रखिए, ठंडा मत होने दो, ठंडा होएगा तो ब्लड प्रेशर और कम होगा, वार्म रखना ज़रूरी है। और ब्लड शुगर लो होने से है तो ब्लड शुगर चेक कर सकते हो, अगर आप बाहर हो तो बाहर में शुगर वाले पेशेंट्स का आप पहले शुगर या कुछ खिलाने से पहले ब्लड शुगर चेक करो। और बेहोश पेशेंट को फिर भी कुछ नहीं पिलाओगे आप, अगर बेहोश है ब्लड शुगर लो भी है तो भी आप जो पिला दोगे खिला दोगे वो फ़ायदा नहीं करने वाला, उसमें उनको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा तुरंत, ठीक है। CPR पे हमारा एक अलग से वीडियो ऑलरेडी है आई थिंक, वो आप देखिए। और बस बढ़िया, ये हुई बात आपकी, इसकी क्या करें क्या ना करें, उल्टे सीधी चीज़ें ना खाएं, आपको ब्लड शुगर है तो उसका ध्यान रखें कि शुगर लो ना हो, सुबह सुबह शुगर ज़रूर चेक करें, अगर आप को गैग रिफ्लेक्स या वो वेसोवेगल अटैक्स आते हैं, BP लो रहता है तो थोड़ा थोड़ा नमक ज़्यादा खाएं, थोड़ा पानी ज़्यादा पिए, थोड़ा चाय कॉफ़ी ज़्यादा पिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। तो ये हुई बात इस टॉपिक की, लेट्स जस्ट टेक सम क्वेश्चंस नाउ, लाइव क्वेश्चंस लाइव चैट्स देख लेता हूँ, उसके बाद में हम दूसरे चीज़ों की तरफ चलेंगे। ऑलराइट, ये मेरा तो ये आ गया। नमस्कार जी, नमस्कार सर, मेरे अंकल ने बताया उनकी हार्ट सर्जरी हुई है जिसमें उनकी कोई लेग की नस में लगाई, इट इज ट्रू। आप हमारा एंजियोग्राफी वाला वीडियो देखो अनमोल जी, एंजियोग्राफी बाय डॉक्टर एजुकेशन, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हार्ट सर्जरी उनकी, ऐसी एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी वाली सर्जरी वैसी होती है, पैर की नस से होती है, कैसी होती है वो हमने एंजियोग्राफी में वीडियो में समझाया है, एंजियोप्लास्टी वाला वीडियो में समझाया है। उसके नीचे उसमें आप टाइप करें एंजियोप्लास्टी बाय डॉक्टर एजुकेशन। स्किम मिल्क और होल मिल्क एज पोस्ट वर्कआउट, सी पोस्ट वर्कआउट में तो स्किम मिल्क विल बी गुड, होल मिल्क नहीं, होल मिल्क इज़ अ हाई फैट फूड, हाई फैट फूड आपको पोस्ट वर्कआउट में नहीं चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि लोगे तो कुछ पाप हो जाएगा, बट वॉट यू नीड इज़ कार्ब्स एंड प्रोटीन्स, यू डोंट नीड फैट एट दैट टाइम। सो होल मिल्क में फैट ज़्यादा होता है, सो मलाई निकाल के लोगे तो चल जाएगा, बट देन इट्स इज़ नॉट अ बिग क्वेश्चन, ले लिया तो कोई पाप नहीं होगा, राइट राइट। गला सूजा हुआ है पानी पीने के बाद, ठंडा पानी पियोगे गले में खराश होगा, AC में मुंह खुला रख के सोओगे दिक्कत होगी। कोल्ड एंड कफ वाला मेरा वीडियो देखो, उसको फॉलो करो, ठीक हो जाएगा। एटॉपिक डिजीज़ है मेरे बेटे को 7 साल से, मेरे बेटे को भी है एटॉपिक डर्मेटाइटिस, डोंट वरी, एटोगला नाम का लोशन यूज़ करो और उसके हाइड्रेशन रखो, मॉइस्चराइज रखो उसके स्किन को बहुत ज़ोरदार तरीके से, और एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलो, उसके लिए जो दवा यूज़ होनी है वो क्रीम समझो, बीमारी को समझोगे तो ही ठीक कर पाओगे। इसके ऊपर वीडियो नहीं है, मैं बना दूंगा, डोंट वरी सर। आई हैव बैक एक्ने, हाउ कैन आई क्योर इट बाय मेकिंग चेंजेस इन माय डाइट? नो, यू कैन क्योर इट बाय मेकिंग चेंजेस इन योर हेयर। बैक एक्ने मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ हेयर ऑयल। कुछ झगड़ा हो रहा है आसपास। अच्छा खासा झगड़ा हो रहा है सर। एंजाइटी एंड सडन वीकनेस, एंजाइटी के बारे में मेरा वीडियो है, वीकनेस के बारे में मेरा पूरा वीडियो है, जाके देखिए जनाब। कैन आई टेक सॉफ्ट जेल फिजियो, आई हैड गॉलब्लैडर रिमूव, यस यू कैन टेक इट, थैंक यू जी नवजोत सिंह जी। 6.2 हाइट इंक्रीजिंग, हाउ टू स्टॉप? यू कैन नॉट स्टॉप इट भाई, जो तुम्हारी हाइट है वो तुम्हारी हाइट है। हाँ, आप यू कैन स्टॉप बाय गोइंग टू एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपको इंजेक्शन देके स्टॉप कर सकते हैं, वो उनके हाथ में। एंजाइटी नहीं जा रही है, दो साल से आप अगर एक्सरसाइज करते होते तो चले जाती, 2 साल के 8 से 12 हफ्ते में चले जाएगी अगर रेगुलर एक्सरसाइज करोगे सही तरीके से। मेरे एक्सरसाइज वाला एंजाइटी वाला वीडियो देखो। वर्कआउट के बाद फीवर हो गया था ज़रा टेम्परेचर, क्या करना चाहिए? पानी पिया हूँ, रेस्ट करूँ? बस रेस्ट करो, फीवर ज़रा बहुत बॉडी टेम्परेचर गर्म लगता है उसका मतलब फीवर नहीं होता, डोंट वरी। फीवर है तो वो बार बार आएगा, अभी फ़िलहाल सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा फीवर को आपने मॉनिटर करना है, 101 के ऊपर आएगा तो आप उसके लिए पैरासीटामोल लेंगे, वरना नहीं, 100 पे भी मत लीजिए, जस्ट रिलैक्स, पानी पियो, रिलैक्स करो, बॉडी ठंडी हो जाएगी। बी इन अ कोल्ड एनवायरनमेंट, फैट लॉस एंड मसल गेन एट द सेम टाइम, यस इट इज़ पॉसिबल। हाँ जी, हाँ,
ये आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ झगड़ा वगड़ा हो रहा क्या? पता नहीं पीछे से आवाज आ रही है। एनीवेज हाँ, अभी क्या है, अभी प्रॉब्लम क्या है पेशेंट को? हाँ हाँ बता बता बताओ। अच्छा, पहले कभी हुआ है ऐसा इनकॉन्टिनेंस फीकर एंड यूरिन? पहले कभी सीजर हुआ है? बेहोश होने के बाद कुछ नहीं पिलाया, चीनी का पानी वानी कुछ ऐसा नहीं, पास हिस्ट्री कुछ नहीं है, बीपी वाइटल्स ठीक है अभी, और वो ईसीजी ठीक है। इको लगाओ, आप इको मशीन लगाओ, मैं देख लेता हूँ। लगाओ लगाओ लगाओ, इको लगाओ, मैं आके देखता हूँ। लगाओ लगाओ लगाओ। आज देखो, आज दिन ही है अनकॉन्शियस पेशेंट्स का। अनकॉन्शियस पेशेंट आते हैं तो डायग्नोस करना पड़ता है क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, बहुत मुश्किल से होता है। ठीक है, सो यू हैव टू गो फॉरवर्ड। ठीक है, वो हॉस्पिटल डायग्नोसिस तो हमारा है, बट आप अपना काम करें, ये वीडियो देखें और शेयर करें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैट लॉस एंड मसल गेन एट द सेम टाइम, फॉलो माई अदर चैनल, मेरे चैनल का नाम है फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। जी हाँ बिल्कुल होता है, हमें देख लो। एनीवेज, एसिटिलकोलीन इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट इन योर ब्रेन्स, इन योर मसल्स, इन योर साइनेप्सिस, इट इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज नर्व कंडक्शन। ठीक है, हाउ टू गिव मेडिसिन टू फाइव ईयर ओल्ड चाइल्ड बिलो, इसके लिए पीडियाट्रिशियन से बात करके उनके वजन के हिसाब से दवा दी जाती है, वजन के हिसाब से। काजू खा सकते हो, एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट टोटल, चाहे सिर्फ काजू खाओ या पूरे सारे मिला के खाओगे अलग अलग तो ज़्यादा बेहतर है। मोटे हो ठीक है, पापा माँ हाइट कम है सर, कार्टिलेज रीग्रोथ होता है क्या? जी हाँ, कार्टिलेज कुछ हद तक रीग्रोथ होता है, कुछ हद तक मतलब बहुत कम, पूरा नहीं आएगा, एकदम पूरा गायब हो गया तो। ऑलराइट, चलो भाई बहुत देर हो गए, बहुत सारे सवाल हो गए, अनकॉन्शियसनेस पे सवाल पूछो। चलो अब नीचे जा रहा हूँ मैं सबसे, अनकॉन्शियसनेस या कुछ ऐसा कोई सवाल है, कोई बेहोश हो जाता है तो क्या होता है? ज़रूरी नहीं आपके साथ हो रहा हो, बट देन पब्लिक के दिमाग में क्या सवाल आ सकता है वो आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी सवाल खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी पूछो करो, क्योंकि जो लोग आज यहाँ नहीं हैं, आज हमारे लाइव में नहीं है, वो बाद में सवाल पूछेंगे, उनका सवाल तो नहीं आ रहा, लेकिन आप सवाल पूछ सकते हो कि यार मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है, चाहे मेरा कोई पेशेंट नहीं है बेहोश हुआ, लेकिन वो दिमाग का आंसर, वो आंसर सबको हेल्प कर सकता है। तो ऐसे सवाल पूछो अनकॉन्शियस पेशेंट्स के बारे में कि ये करना चाहिए क्या, वो करना चाहिए क्या। चलो पूछो, मैं नीचे देखा हूँ सबसे, अभी है कोई? प्लीज, PCOS पेशेंट होम रेमेडी रेगुलर पीरियड। PCOS का मेरा फुल डिटेल वीडियो है नीलम जी, आप जाके देखिए, PCOS बाय PCOD बाय डॉक्टर एजुकेशन। दूध पी रहे हम, दूध 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 दूध। कॉजेज ऑफ सीवियर बैक पेन एट कॉक्सिस, रीजन एंड ट्रीटमेंट। आपका रीजन है गिरना। हाँ गुड, मिर्गी के बारे में, मिर्गी का दौरा एक कारण है जिसके वजह से पेशेंट बेहोश हो जाए। अभी जो मैडम आई है हमारे, उसमें वो भी मिर्गी हो सकती है, क्योंकि तो मिर्गी के दौरे में क्या होगा, टेंथ दांत दबाना एक सिम्टम होता है, दांत दबाया, टंग बाइट, दांतों के बीच में टंग आ गई, आंखें रोलिंग अप हो गई, आंखें ऊपर चली गई, पेशाब निकल गया, लैटरिन निकल गई, हैं ऐसी चीज़ें, या फिर पूरे शरीर में झटके आए, कभी कभी नहीं भी आते, लेकिन सिर्फ दांत दबाना होता है, पेशेंट सिर्फ ऐसे होकर रह जाता है ना कुछ होता है। सो देर इज समथिंग लाइक दिस। पेशेंट को लिफ्ट कैसे करें? अच्छा, वो लिफ्ट कैसे करें? देखो, अगर आपके पेशेंट को ऊपर से गिर गए हैं तो उनको लिफ्ट करने के लिए आपको पेशेंट को एक स्पाइन बोर्ड या फिर सीधी लकड़ी पे, बड़ी सी फ्लैट सी सीधी लकड़ी पे रख के उनको लकड़ से बांध देना है, उनको लकड़ से बांध देना है ताकि वो हिले ना, ये है। और फिर वही लकड़ी का लकड़ी उठा के या वो गत्ता का गत्ता उठा के हॉस्पिटल लेके जाना है। पेशेंट को हाथ नहीं लगाना है, फिर पेशेंट को नहीं हिलाना है, गत्ते को हिलाना है, एक बार का हिला के ऊपर रख दो बस,
एक बार तो हिलाना ही पड़ेगा प्यार से, पैर से एक दो जन पकड़ो, दो जन एक बीच से पकड़ो और दो जन एक पैर से, दो जन साइड से, एक जन सर के पास से, ऐसे चार लोग कम से कम बिना पीठ को हिलाए उठा के गत्ते पे रखो और गत्ते से फिर ले जाओ, जैसे का जैसा गत्ता है वो गत्ते के बीच में रख के बढ़िया गत्ते फिर गत्ता लेके जाओ, जहाँ लेके जाओ, गत्ता हो लकड़ी हो, जैसे स्पाइन बोर्ड आता है ना उन लोगों के लिए, ऐसे अगर पेड़ ऊपर से गिला है तो। फर्स्ट टाइम ब्रेथ होल्डिंग स्पेल हुआ है, क्या करूं? देखो इसके लिए आपको पीडियाट्रिशियन से बात करनी पड़ेगी कि उसको कोई लंग बीमारी तो नहीं है, ब्रेथ होल्डिंग स्पेल क्यों हुआ, उसका क्या सिस्टम है, राइट? उसके बारे में पीडियाट्रिशियन से बात करिए, वो एक चीज़ है, और तो कुछ नहीं कर सकते, पीडियाट्रिशियन ही आगे बताएगा। फायरमैन एक जलती हुई बिल्डिंग में गया था और उसका ऑल ऑफ द सडन 2 kg वेट लॉस हो गया। ताली बजानी पड़ेगी। ये जो वीडियो जिसने बनाया, ये सारे वीडियो जाके पीछे पेशेंट देख, सारे देखेंगे और ताली बजाएंगे। एक मैंने भी देखा था, पता, एक आदमी था वो बहुत कुएं में कूद गया और उसका वजन बढ़ गया क्योंकि उसका शरीर पूरा फूल गया था, पानी से भर गया था, फिर उसके अब उसकी लाश निकाली तो कम से कम 10 किलो उसका वजन बढ़ गया था। जितने लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं ना वो ऐसा करें, क्या बकवास है यार, मतलब जलती हुई बिल्डिंग में घुसने से वजन कम होगा? आर यू किडिंग मी? आई मीन सीरियसली, कुछ भी, अरे यार कुछ भी बोलते हैं लोग ना आजकल वीडियो में, भगवान। डिफरेंस बिटवीन नेफ्रोटिक एंड नेफ्रिटिक, ये तो अलग से बनाना पड़ेगा। लिफ्ट कैसे करें? आई टोल्ड यू, जस्ट हार्ट बीट आ गया। हेलो, हाँ जी, हाँ, एडमिशन कराने आए हैं, लेकिन बीमारी तो बताओ। आरएसडी है? आरएसडी तो आरएसडी इमरजेंसी नहीं होती, करना क्या है उनको? चलो मैं आके बात करता हूँ। वो इको मशीन लग गई, मशीन चालू कर दो, मशीन चालू हो गई, करो करो चालू करो, मैं आता हूँ। ठीक है, गैस की वजह से कोई अनकॉन्शियस नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता, अगर गैस ज़्यादा भर के आप पेट तुम्हारे सांस रोकने की वजह से अनकॉन्शियस हो जाते हैं, गैस की वजह से नहीं होते। नो 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 नो, गैस की वजह से नहीं होता। मेरा बेटा काम करते हुए बेहोश हो गया, कम करते करते 30 साल ओल्ड। देखो काम करते वो मतलब क्या काम कर रहा था, वही मैं बोल रहा हूँ ना, बेहोशी का रीज़न ढूंढना पड़ता है। खून की कमी है, मतलब बीपी कम हो गया, शुगर कम हो गया, डिहाइड्रेट, खाना ही नहीं खा रहा था, पानी नहीं पी रहा था, कितने दिन से सोया नहीं, हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारे कारण हैं। तो उस केस में क्या कारण था, उसको सिम्टम क्या थे? दौरा तो नहीं पड़ गया, अमेरिकी का दौरा तो नहीं पड़ गया। अनकॉन्शियस पेशेंट का ट्रीटमेंट है, हॉस्पिटल लेके जाओ, नो अदर ट्रीटमेंट। मौत, गलती से पानी पिलाना, ये करना वो करना मत करना, हॉस्पिटल लेके जाओ, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। वो असेसमेंट हमारा काम है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शुगर बीपी चेक कर सकते हो, घर पे चेक कर लो, दैट इज़ योर जॉब। शुगर बीपी वाइटल्स ABC, एयरवे, ब्रीदिंग और का सर्कुलेशन, पल्स, वो सब चेक कर सकते हो कि भाई सब ठीक है कि नहीं। वो नहीं मिल रही है तो हॉस्पिटल जाने से पहले ही CPR शुरू करो और एम्बुलेंस बुलाओ, CPR करते रहो। जो हॉस्पिटल ले जाते हुए 10 मिनट लगाओगे, वो 10 मिनट में पेशेंट का गेम बच जाएगा। CPR शुरू कर दो, कोई बात नहीं, तुमको आता है नहीं आता है, छाती दबाना शुरू करो। अगर पल्स नहीं मिल रही है, पल्स या धड़कन नहीं सुनाई दे रही है, कान लगा के देख लो, यहाँ पे कान लगाओ, कान लगा के धड़कन नहीं सुनाई दे रही, सांस नहीं चल रही है, तो सोचो मत कि हॉस्पिटल ले जाते हैं, सर 10 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, सांस नहीं ले रही, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट बहुत कीमती होते हैं उस समय, 1 मिनट भी कीमती है उस समय, समझे? 10 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, 10 मिनट में तो बहुत पूरा गेम पलट जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है। 30 सेकंड में गेम डैमेज हो जाता है, 30 सेकंड सांस बंद हुई, धड़कन बंद हुई, ब्रेन डैमेज, कंटिन्यूअस ब्रेन डैमेज होता रहता है। हेलो, हाँ, ओहो, चल मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, चलो, ओके ओके, बाय, सिकिंग सिकिंग, पेशेंट पेशेंट, बाय 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 बाय।